Ami Khan, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Boys and girls, right now it's 8 a.m. in the morning and we are about to go to the Bakra Mandi. You know guys, Eid ul Adha hai and we have to buy our camel, cow, bakra and a lot of things, you know, humne wo khareedna hai. To hum aaj jaake check karenge. Mil gaye to theek hai, le lenge. Nahi mile to वापस आ जाएंगे चुपके घर. टाइम इस अभी इसलिए जा रहे हैं बिकॉज ये टाइम सबसे मज़ेदार है, ठंडा. या तो रात को जा सकते हैं या तो सुबह. रात को जाएंगे तो ब्लॉग बनेगा नहीं, इसीलिए हम सुबह उठे हैं. और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे 300 साल का जो तजुर्बा रखते हैं बकरे काउस वगैरह में, वो जा रहे हैं कैमल. तो इनको भी मैं साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि खरीद के लिए कराना है आज. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर ऑफ टू आवर कैटल मार्केट बाटा चौक. भाइयों ने बताया कि बाटा चौक जाना. मैंने आपको बताया ना, 2-2 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें, तो बाटा चौक जा रहे. रास्ता में पता नहीं है तो गूगल माता हमारे साथ है. गूगल माता से हेल्प लेते हुए हम जो है इंशाल्लाह बाटा चौक पहुंच के दिखाएंगे आज. आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ू अपने आप से. तू पहले शब का चांद बन गया. अटलांटिस है ये रैप की है पहचान. मैंने दारू वाला नहीं पर वो भाई आज भी रात को ही बात हुई. मेरों में निकला मैं तो ढूंढ. भाईजान हम मंडी जा रहे हैं. भाईजान काऊ मंडी. भाईजान कैटल शोरूम जा रहे हैं हम. भाईजान बेड़ा लेने जा रहे हैं हम. गूगल भाई हमें बता रहे हैं कि इस गली में घुसना है, बट हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है इस गली में घुस के फंसने का, तो हम सीधे ही जाएंगे. इसका डर था वही हुआ. गूगल ने पता नहीं कहाँ पे हमें उठा के फेंका है बाटा मंडी जाने के लिए. खैर चल रहे हैं बिकॉज हमारे इरादे बुलंद हैं. काऊ शोरूम आज हम पहुँच के रहेंगे. बॉयज इरादे बुलंद हैं. फिजान साहब बुलंद है, सब कुछ बुलंद है. बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ मिले ना मिले हमें मुर्गा मिल गया, मुर्गा ही लेके जाएंगे. लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, एट लास्ट हम पहुंच गए बाटा मंडी में. दो बकरे, दो भी नहीं है, तीन बैठे बस. तीन बकरे और तीन बैठे हैं. तीन है ये. पहुंच गए हम, पहुंच गए. सारी वीडियो खराब हो गई. फाइनली हम पहुंच चुके हैं बकरों के शोरूम में. सबसे पहले तो इसी का ही सौदा करते हैं. ओके तो इसका 1.5 लाख रुपए, ठीक है, याद करते रहें. डॉक्टर आ यहाँ. मैं इधर मास्टिकेशन कर लूँ. हो जाता नहीं है. चौका है ना. नहीं चौका है इसीलिए नहीं दे रहे, वरना ले लेते. ये वाला परफेक्ट था. 1.5 लाख या 2 लाख देते, बट चौका निकला. मैं तो फुल मम्मी डैडी बन कर आया हूँ, जॉगर शॉर्ट्स पहन के. यार माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त है. ये जो है ना, ये बहुत जबरदस्त है. तो अभी हमें जो है खोल के दिखा रहे हैं, चला के दिखाएंगे. एंड उसके साथ नहीं बन सका. 2,30,000 डिमांड कर हमने उसको जो रेट लगाया, उसने कहा रेट आपने ठीक लगाया लेकिन हम नहीं उसमें जा रहे. चलो तो यो ढूंढते. अब हम जा रहे हैं उस तरफ, वहाँ पे जो है कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं, बेहतरीन. ये ओके तो अभी हम इसकी बात करेंगे, या तो इसकी, इसका मेरा ख्याल है सौदा चार है, इसकी बात करेंगे. इसके इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे. ये शरारती, ये देखा 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 देखो तेरी खैर भाई.
सो बॉयज एंड गर्ल्स, तकरीबन अभी टाइम हो रहा है 11:30, बहुत थक चुके हैं। खैर अभी कोई सौदा नहीं बना, एक के साथ बन रहा था एक लक्सी वाले से, बट वो भी नहीं हो सका। बट अभी यही है कि यहाँ से जाएंगे बाहर नाश्ता करने के लिए, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा तो ये प्लान था कि सुबह सुबह होगा तो गर्मी नहीं होगी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल अभी जाते हैं हम गाड़ी की तरफ, आर्यन और फिजान गए हैं वहाँ पे एक उसके साथ करने के लिए। तो खैर हम लोग जाएंगे बाहर नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं दोबारा आएंगे या तो फिर रात को आएंगे। सो वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स, अभी तकरीबन बज रहे हैं 5:00 और उस टाइम जब हम लोग मंडी से निकले हैं बाहर इतनी रश थी कि लिटरली कुछ व्लॉग करने का दिल ही नहीं करता। एंड गर्मी, उफ आज जो गर्मी थी, मैं वैसे जल्दी उठा कि यार ठंडा मौसम होगा क्योंकि 3-4 दिन से मौसम अच्छा है रावलपिंडी में, बट इतनी सख्त गर्मी, इतनी शदीद गर्मी कि इट वॉज अनबेरेबल। तो हम लोग खैर वहाँ से निकले हैं तकरीबन 12:30 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं और उसके बाद नमाज पढ़ी जुम्मे की और उसके बाद जो सोए हैं, जस्ट अभी उठा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कमर्शियल मार्केट। कमर्शियल मार्केट में मैंने वैसे तो वीडियोस वगैरह में देखा था, एंड लाहौर में खुला था वड़ा पाव जो इंडिया का मशहूर एक डिश है। तो 3-4 दिन पहले मैं कमर्शियल मार्केट से गुजर रहा था, तब मेरी नजर पड़ी एक पोस्टर पे वड़ा पाव के। तो अब मुझे पता नहीं है मैं उसको प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ, वड़ा पाव है या पाव है जो भी है, प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ या नहीं, बट तब मैंने देखा था तो आई थॉट कि यार इसको ट्राई करना चाहिए। तो अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ वहाँ पे। वड़ा पाव खाने के बाद हमने जो है गाड़ी को वॉश करवाना है, गाड़ी वॉश करवाएंगे और फिर जो है घर। Okay, so boys and girls, वड़ा पाव is here. वड़ा पाव, VADAPAV, वड़ा पाव जो है इसका वो है, इसके अंदर जो है बन टाइप सा होता है ये, एंड इसके अंदर जो फिलिंग होती है वो आलू और काजू की टिक्की टाइप सा वो बनाते हैं, मुझे उन्होंने बताया वो होता है, मायो होता है, इंडियन चटनी एक डालते हैं इसके अंदर और उसके अलावा एक और चीज़ होता है मैं भूल गया हूँ। तो ये है वड़ा पाव, इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट बाइट मैंने आज तक कभी नहीं खाया, तो दैट्स माय फर्स्ट बाइट। मज़े का है, एक अलग सा टेस्ट है। हम लोग ज़्यादातर यही होता है बर्गर खा लेते हैं, जिंगर बर्गर हो गया, अंडा शामी हो गया, तो एक उससे हट के चीज़ है, 80 रुपीज़ का, इतना महंगा भी नहीं है। ओके सो बॉयज एंड गर्ल्स, सारे काम हो गए हमारे डन, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। आस्ता ला विस्ता, अभी अपन खिसकता।